फिरंगी में हीरोइन को छू तक नहीं पाए कपिल शर्मा। खुद बताया क्या थी वजह, कपिल शर्मा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म फिरंगी को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म के लिए कपिल जबरदस्त प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन के दौरान कपिल ने अपनी हर कॉन्ट्रोवर्सी पर खुलकर जवाब दिया। कपिल शर्मा का शो बंद हो चुका है, अब कपिल सिर्फ फिरंगी पर फोकस कर रहे हैं। हाल ही में एक प्रमोशनल इवेंट में कपिल ने फिल्म की कहानी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, ये 1920 की कहानी है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। फिल्म के जरिए ये बताया गया है कि अंग्रेज बुरे नहीं थे। मेरे दादा ने मुझे बताया था कि एक बार उन्होंने एक अंग्रेज की मदद की थी, इसके बदले में उन्हें जॉब ऑफर की गई थी, लेकिन मेरे दादा के पास पहले से ही काम था, इसलिए वो जॉब उन्होंने अपने साले को दिलवा दी थी। कपिल ने बताया कि फिल्म की शूटिंग पंजाब में हुई है। पंजाब में शूटिंग कराने का आइडिया कपिल का ही था। उन्होंने कहा, मैंने पिछली फिल्म में 3 हीरोइनों के साथ रोमांस किया था, लेकिन इस फिल्म में पैसा लगाने के बावजूद हीरोइन को टच तक नहीं किया, क्योंकि 1920 में तो आंखों वाला प्यार होता था। पढ़े लता मंगेशकर को इस सिंगर ने दी थी कांटे की टक्कर, अफेयर में पड़ी और 12 साल पहले छोड़ दिए। फिल्मी गाने कपिल की माने तो उन्होंने फिल्म के लिए कोई खास तैयारी नहीं की है। फिल्म की कहानी पर कपिल ने 1 साल तक काम किया। प्रमोशन के बारे में कपिल ने कहा कि उनकी टीम अलग अलग शहरों में जाकर प्रमोशन करेगी। बता दें कि इस फिल्म को राजीव ढींगरा ने डायरेक्ट किया है। पढ़ें, पीएम मोदी की मिमिक्री कर छाए श्याम रंगीला। एलिमिनेट होते ही खोली अक्षय कुमार के शो की पॉल राजीव के बारे में कपिल ने बताया, वो मेरा बचपन का दोस्त है, मेरे बुरे वक्त में उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। अपने दोस्तों की बदौलत ही मैं डिप्रेशन से बाहर आ पाया हूँ। पहली फिल्म के बाद करीब 30 फिल्मों के ऑफर आए, लेकिन सभी एक जैसी थी, इसलिए मैंने राजीव से कहा कोई अच्छी फिल्म की स्क्रिप्ट मिले तो फिल्म बनाते हैं। फिर हमें फिरंगी मिली। पढ़े, किसी हीरोइन से कम नहीं है बॉबी देओल की पत्नी। कमाई के मामले में पति से भी कई कदम आगे शो बंद होने के लिए कपिल ने खुद को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा, सुनील और चंदर से झगड़े के बाद चीजें बद से बदतर हो गईं। इसके बाद फिरंगी के एक को एक्टर की मौत हो गई, ये भी मेरे लिए सदमे से कम नहीं था। मैंने शराब पीनी शुरू कर दी, खुद को ऑफिस में बंद कर लिया। मैं एक दोस्त के फ्लैट में जाकर रहने लगा जिसके घर के सामने समुद्र था। समुद्र देखकर लगता था कि कूद जाऊं। फिर मुझे लगा कि शराब पीना छोड़ना होगा। इसके बाद सब ठीक हो गया। प्रीति सिमोस से अपने रिश्ते के बारे में कपिल बताते हैं, मैं इतना ओपन नहीं हूं कि अपने ब्रेकअप की बात करूं। प्रीति आज भी मेरी अच्छी दोस्त है। मैं 36 का हूं, फिर भी डिसीजन नहीं ले पाता हूं। मैं ब्रेकअप पैचअप नहीं मानता। मैं सभी को दिल से प्यार करता हूं और वो रिश्ता हमेशा बना रहता है।